जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। उनके दोस्त और रिश्तेदार कई दिनों से समझा रहे थे, भाई तुम्हारा ट्रेडिंग का धंधा बढ़िया चल रहा है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग में पैर डालते हो। धीरू भाई कहते हैं, मैं तो पहले ही फैक्ट्री लगाने का निश्चय कर चुका था। बचपन से लगता था कि मुझे इस जीवन में कुछ करना है। फिर उस समय नायलॉन और पॉलीमर की मांग भारत और पूरी दुनिया में बढ़ने लगी थी, साथ में एक्सपोर्टर्स के लिए गवर्नमेंट स्कीमें भी चल रही थी। मेरे दिमाग में क्लियर पिक्चर बन चुकी थी कि मैं जल्द से जल्द फैक्ट्री लगाकर विकास करना चाहता हूँ। नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच में कहते हैं कि जो भी कुछ इंसान ने बनाया है, जितनी इमारतें, किताबें, टेक्नोलॉजी और साइंस हम देख रहे हैं, वो सब इंसान की कुछ करने की अदम्य इच्छा, इंटेंस डिजायर से शुरू हुई है। डिजायर यानी इच्छा शुरुआत में एब्स्ट्रैक्ट यानी निराकार होती है। इच्छाओं को कल्पना से आकार मिलता है और कल्पना की दिशा प्लानिंग से तय होती है और कल्पना एक्शन की शक्ति से उड़ान भरती है। धीरू भाई अंबानी की पहली फैक्ट्री बड़ी रोचक और इंस्पायरिंग कहानी है। इसके द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर डिसीजन की जरूरी बातें हम गहराई से समझेंगे। जब धीरू भाई अंबानी अपनी सोच पर अडिग रहे तो लोगों ने सजेस्ट किया कि नई फैक्ट्री में पैसे फंसाने से अच्छा है कि पुरानी फैक्ट्री खरीद कर रेनोवेट कर लो। मुंबई के पास एक फैक्ट्री तलाशी गई। फैक्ट्री के मालिक 5 भाई थे। बातचीत के बाद कीमत 3 लाख रुपए तय हुई। धीरू भाई ने एडवांस भी दे दिया। फिर पेपर साइन करते समय 5 भाइयों में से 2 भाई फैक्ट्री देने से मुकर गए। आपस में बहस होने लगी। धीरू भाई ने कहा, आप अपना जूना डब्बा रखो, मुझे एडवांस भी वापस नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वे मीटिंग से बाहर निकल गए और पलटकर भी नहीं देखा। ऑफिस में लोग दूसरी मिल तलाशने लगे, लेकिन धीरू भाई निश्चय कर चुके थे कि वो भारत की सबसे तेज टेक्सटाइल बनाने वाली, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का नायलॉन बनाने वाली, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। तो सवाल है कि धीरू भाई अंबानी में इतना आत्मविश्वास कैसे था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको अपने इरादों और डिसीजन पर अडिग रहना है तो सबसे पहले कम बोलो और ज़्यादा सुनो। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं, वो लोग फैक्ट्स और ओपिनियंस में अंतर नहीं कर पाते और इस कारण वे हमेशा दूसरों की राय या ओपिनियंस के प्रति रिएक्ट करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम कभी डिज़ायर को एक्शन में नहीं बदल सकते, क्योंकि हम किसी एक इच्छा पर टिके ही नहीं रह पाते। हमेशा हमें दूसरे की राय और ओपिनियन से फर्क पड़ता है। सबसे पहले आपको कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है, और आपको ऐसे सुनना है कि आप बोलने वाले का मेंटल स्टेट भी समझ सकें कि बोलने वाला ये बात बोलते समय कैसा महसूस कर रहा है। अगर वो बोलते समय दुखी और कमज़ोर महसूस करता है तो वो अपने डर और सीमित अनुभव से बोल रहा है। अगर वो बोलते समय लालच महसूस कर रहा है तो वो आपको बहकाने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि डिसीजन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। वो आप दूसरे लोगों को सुनकर ले सकते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करो। कभी गलत डिसीजन लोगे तो सोचना पड़ेगा कि आखिर गलती क्यों हुई। इससे आप अगली बार बेहतर डिसीजन लोगे। नई फैक्ट्री बनाने के लिए अहमदाबाद के पास नरोदा के प्लॉट चुने गए। ज़मीन सस्ती तो मिल गई, लेकिन अभी ये इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा था। यहाँ पानी और बिजली की लाइंस तक नहीं बिछाई गई थी। धीरू भाई कहते हैं कि नरोदा की फैक्ट्री वेंचर नहीं, एडवेंचर था। कम समय में हमने बड़े और रिस्की डिसीजन लिए, लेकिन मन में किसी प्रकार का डर नहीं था। मैं पूरे समय उत्साहित रहता और अंदर से आवाज आती थी कि इस फैक्ट्री को सफल बनाना है। फैक्ट्री लगाने वाली टीम के पास कोई खास अनुभव और डिग्री नहीं थी। 10 लोगों की टीम में 1 इंजीनियर और 2 10th पास थे, बाकी सब थोड़े बहुत पढ़े लिखे नौजवान थे। उनकी टीम के बारे में सुनकर एक आदमी हैरान रह गया कि आप ऐसे अनपढ़ लोगों के साथ फैक्ट्री कैसे लगा सकते हो। तो धीरू भाई ने कहा कि जब रामजी वानर सेना के साथ लंका जीत सकते हैं, तो क्या इंसानों की टोली एक फैक्ट्री नहीं लगा सकती। धीरू भाई कहते हैं कि जवानी के उन दिनों में दिलेर था, मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, न फेलियर का डर था। मेरे पूरे शरीर में पैशन का कंपन होता था कि हमें कुछ करके दिखाना है। मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी कि यह मनुष्य का जीवन मिला है, हम इस दुनिया से कुछ करके ही जाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कई लोग मानते हैं कि केवल पैसे से पैसा बनाया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपकी महती आकांक्षा, महत्वाकांक्षा यानी इंटेंस डिजायर सफलता का रूप लेती है।
जब विदेश से हाईटेक मशीनें ऑर्डर कर दी गईं, तब रुपए की कीमत गिरने से मशीनें 1.5 गुना यानी 50% महंगी हो गईं। एक्सपोर्टर्स के लिए गवर्नमेंट स्कीमें भी बंद हो गई थीं। अब फैक्ट्री लगाने और पॉलीमर बनाने में भारी नुकसान था। लोगों ने सुझाव दिया कि प्रोजेक्ट रोक दो, लेकिन धीरूभाई कहाँ रुकने वाले थे। वे अपने पैशन और डिसीजन की शक्ति के वेग में सफलता की ओर बहते जा रहे थे। उन्होंने किसी भी कीमत पर फैक्ट्री का काम रोकने से मना कर दिया। दोस्तों, दूर से देखने पर आपको धीरूभाई अड़ियल लग सकते हैं। नेपोलियन हिल भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं कि जिन लीडर्स ने महान सफलता पाई है, इनमें एक खासियत होती है कि वे अपने लक्ष्य के अनुसार तत्काल डिसीजन बनाते हैं, और अगर ज़रूरत भी होती है, स्थिति भी बिगड़ती है, तो भी वे अपने लक्ष्य से बड़े मुश्किल से हटते हैं। धीरूभाई और उनकी टीम ने अथक मेहनत की, लेकिन असल शक्ति छिपी थी साहस और विश्वास में। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब डिसीजन के साथ विश्वास और साहस जुड़ जाता है तो वो अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। डिसीजन प्लस बिलीफ प्लस करेज इज इक्वल टू पावर। जितनी भी इतिहास में क्रांति आई है, वो सब कुछ चंद लोगों के विश्वास और साहस के कारण शुरू हुई है। एक साहसी निर्णय और विश्वास आपके अंदर बदलाव लाता है, और एक आंतरिक बदलाव के चलते कई बदलाव बाहर दिखते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या और रुकावट इस आंतरिक शक्ति का सामना नहीं कर सकती। फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन मई में शुरू हुआ, फिर 4 गुना लेबर बढ़ा दी गई। भारी बारिश में भी काम नहीं रुका। अगस्त के मध्य में मशीनें इंस्टॉल हो गईं। सितंबर तक मशीनों के साथ फैक्ट्री का काम भी पूरा हुआ। कारीगर बुलाए गए और 60 दिन के अंदर फैक्ट्री अपनी पूरी क्षमता से नायलॉन टेक्सटाइल का उत्पादन करने लगी। केवल 6 महीनों के अंतराल में धीरू भाई ने बिल्कुल कम पढ़े लिखे और 25 से 30 साल के नौजवानों की टीम के साथ फैक्ट्री शुरू कर दी थी। और ये ऐसी वैसी फैक्ट्री नहीं थी। वर्ल्ड बैंक की टेक्निकल टीम ने नरोदा की इस फैक्ट्री को प्लानिंग, इंस्टॉलेशन और उत्पादन तकनीक को लेकर काफ़ी सराहना की। आखिर में नेपोलियन हिल कहते हैं कि हिस्ट्री में हमको डेट्स और जगह याद कराई जाती हैं, लेकिन इतिहास बड़े निर्णय से बनता है। हर बड़े निर्णय के पीछे साहस छिपा होता है। इतिहास में हमको वो साहस और वो माइंडसेट सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि वही माइंडसेट की शक्ति हमको अपने जीवन में रुकावटों से आगे निकलने के लिए चाहिए। जिन लोगों के शब्द और एक्शन एक लाइन में होते हैं, जिनको पता होता है कि वे किधर और क्यों जा रहे हैं, दुनिया की आदत है कि वे ऐसे लोगों के लिए रास्ता खाली कर देती है। महान डिसीजन लिए नहीं जाते, बल्कि निर्माण किए जाते हैं। डिसीजन का उल्टा होता है प्रोकेस्टिनेशन। हर नौजवान जो जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल करना चाहता है, उसे प्रोकेस्टिनेशन को पराजित करना होगा। पूरी जिंदगी 2 स्किल्स पर आपका टेस्ट होता रहेगा। पहला, क्या आप बिना देर किए डेफिनेट डिसीजंस ले सकते हो, और दूसरा, क्या आप उस डिसीजन पर त्वरित एक्शन ले सकते हो, यानी डेफिनेट एंड स्विफ्ट डिसीजन और रैपिड एक्शन। जो लोग जल्दी एक डिसीजन पर पहुंचते हैं, जो जानते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से क्या चाहिए, जो प्लान बनाकर तत्काल एक्शन लेते हैं, उनके लिए दुनिया खुद ही लीडर का रोल खाली कर देती है। दोस्तों, अगर आपके पास अभी समय हो तो धीरूभाई अंबानी बचपन में कैसे थे और उनके वर्क एथिक से कुछ खास बातें जरूर सीखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।